नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म 26वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करणीय है उसको तथा प्रसंगवश जो कुछ अन्य बात मुझे याद आ गई है उसको भी मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया था, उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था। उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुम्हारे घाव ठीक हो जाएं, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब नंदीकेश्वर बोले, हे देवदेव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवन, लोकोपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है, अतः इस तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। इसीलिए आज के दिन भक्तिपूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गैरू अथवा धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनके सींगों पर सोना चांदी आदि के पत्थर मढ़े और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगों पर बांधें। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढख दें और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दें। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः साय वेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि अनेक प्रकार का अन्न इस दिन अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय ना हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गोबर से लेप किए बिना घर पवित्र नहीं होता है। हे सुरोत्तम, जहाँ गोमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या है। हे प्रभो, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को तथा अन्य वरों को भी मुझे प्रदान कीजिए। हे सनत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृष श्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है सब हो जाए। हे नंदिन, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ जो शांतिपूर्वक विचरण करता है तथा महान वीर व बलशाली होता है उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदिन, उसी के नाम से यह दिन पोला नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन ये श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं इस तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूँगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाएं। वे कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश काश, यव, दुर्वा, उशीर, सकुदक, गेहूं, व्रीही, मूंज और बलवज, ये 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक होइए। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान दिशा में मुख करके ओम फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ लें, जिनके अग्र भाग टूटे हुए ना हो तथा शुष्क ना हो। वे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध कर्म योग्य कहे गए हैं।
और जड़ रहित कुश देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। सात पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित तथा गर्भयुक्त अग्रभाग वाले तथा दस अंगुल प्रमाण वाले दो दर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए चार कुश पत्रों का पवित्रक बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः तीन, दो और एक दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए दो दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। यह पवित्रक धारण करने के लिए होता है, इसे मैंने आपको बता दिया है। उत्पवन हेतु सभी के लिए दो दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। विकीर के लिए पिंड देने तथा अग्नोकरण के साथ और पाद देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्यप्रद पवित्रक और पापनाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म तथा पितृ कर्म ये सब दर्भ के अधीन है। उस प्रकार के दर्भों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए? हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है उसे मैंने कह दिया। श्रावण मास में और भी जो करणीय है उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या के दिन वृषभ पूजन कुश ग्रहण नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री राधे।